उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों के नकदी बरामद किया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विदेशियों को बनाते थे अपना निशाना, संचालक समेत 34 लोग गिरफ्तार। कैमरे के सामने मुंह छिपाए बैठे ठगों की ये वो फौज है जो सात समंदर पार बैठे लोगों को अपना निशाना बनाते थे। ये शातिर ठग पहले उन्हें अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। ठगों की हाईटेक गैंग उदयपुर में बैठे बैठे अमेरिकी लोगों को लोन का झांसा देकर उनसे डॉलर हड़प लेते थे। शातिर ठगों की भनक लगते ही पुलिस ने गोवर्धन विलास और हाथीपुर इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर कॉल सेंटर संचालक समेत 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉल सेंटर से कंप्यूटर, लैपटॉप और करीब 3 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस की माने तो कॉल सेंटर में काम करने वाले ज्यादातर लोग गुजरात के रहने वाले हैं। दोनों कॉल सेंटर्स में करीब 34 एक्यूज्ड पर्संस को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और उनसे करीब 37 लैपटॉप, इंटरनेट संबंधी मॉडेम और अन्य सॉफ्टवेयर संबंधी सामान हमने जब्त किया गया है। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है, मैंने आपको नाम बताया था, इसका संकेत हृदय करके जो गुजरात निवासी है और मोस्टली 90% जो एक्यूज्ड है वो गुजरात के ही निवासी है। एक साथ दो फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करने के बाद पुलिस अब ठगी का गोरख धंधा करने वाले ठगों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने में जुटी है। इसके लिए उन अमेरिकी नागरिकों की पहचान की जा रही है जो इन शातिर ठगों के शिकार बने हैं। मोस्टली ये अपने इंटरनेट कॉलिंग करते हैं, इनके सामने एक LCD स्क्रीन डिस्प्ले करती है, उसके अंदर उसको जो स्क्रिप्ट जो बोलनी है कॉलर को अपने अमेरिकन नेटिव्स के लिए, वो स्क्रिप्ट डिस्प्ले करती रहती है, उसको अमेरिकन एसेंट में सामने वाले को कॉल करते हैं, चाहे वो लोन दिलाने के नाम पर उसके साथ चीटिंग कर ले, चाहे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड अगर उसने किया हो तो उसके मदद करने के नाम पे चीटिंग कर ले। इस तरह मल्टीपल इन्होंने अपने मोडस ऑपरेंडी बना रखे जिसके माध्यम से ये विदेशियों को चीट करते हैं। उदयपुर में विदेशी नागरिकों से ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस 5 फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर ठगी के गोरख धंधे का खुलासा कर चुकी है। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।